नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल कुर्ते की कटिंग करना। तो दोस्तों, सिंपल कुर्ते की कटिंग करने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें आपको समझाया गया है कि जो मुंडे की कटिंग कैसे करें, शोल्डर की कटिंग कैसे करें, और इसमें लूजिंग कितनी लें, कैसे लें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से डबल फ्रंट में कर लेना है। हम जो सामने वाला फ्रंट और पीछे वाला फ्रंट दोनों अलग अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें ये बॉर्डर है दोस्तों, ये बॉर्डर नीचे रहेगी इसमें, और ये नीचे मोड़ने का मार्जिन रहेगा, तो यहाँ पर हमने लाइन खींच ली है, ठीक है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी है। हाँ, तो दोस्तों कटिंग करने से पहले समझ लेते हैं, इसकी ना आगे का गला रहेगा दोस्तों 5 से पीछे का गोल रहेगा, गले की लंबाई रहेगी 6.5 इंच आगे रहेगी, पीछे 5 इंच रहेगी, शोल्डर रहेगा दोस्तों 14 इंच, और 32 इसकी लंबाई है, 31 चेस्ट है, 25 कमर है, और 30 इसकी हिप्स है दोस्तों। 16 आस्तीन की गोलाई रहेगी, 9.5 इंच यानी 9.5 इंच जो आस्तीन के ऊपर से गोलाई है वो रहेगी दोस्तों, 8 और 8.5 इंच नीचे से गोला रहेगी। तो दोस्तों, ये जो आस्तीन की जो कटिंग करेंगे, जो मुंडी कटिंग करेंगे, वो इसके हिसाब से करेंगे, 9.5 इंच यानी ऊपर वाली जो आस्तीन की गोलाई है उसके हिसाब से आस्तीन का मुंडी की कटिंग करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये नाप है इसमें हम एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे, ये नाप ली हुई है, फिक्स नाप है। तो हम इसमें लूजिंग कितनी देंगे, हम इसमें 3 इंच की लूजिंग इसमें देंगे, और कमर में भी इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, ठीक है, और 3 इंच की लूजिंग हिप्स में देंगे। तो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 34 चेस्ट हो जाएगी, 27 कमर हो जाएगी, और 33 हिप्स हो जाएगी। तो अब इस नाप से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, इस नाप से इसकी कटिंग करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस नाप से इसकी कटिंग नहीं करेंगे और इस नाप से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं। इसकी लंबाई है दोस्तों 32, ठीक है, 32 लंबाई है। तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर दबाव का मार्जिन। उसके बाद में फिर लेंगे हम यहाँ मुड्डा 6 इंच का, ठीक है। इसके बाद में 13 इंच कमर और लंबाई लेंगे, या हम हिप्स लेंगे 20 पर, ठीक है, 6, 13 और 20। तो दोस्तों, ये नाप है ना, ये एक वीडियो में समझाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो ये तीनों नाप कैसे लेते हैं। ये जो कस्टमर है उसकी लंबाई के अनुसार लेना पड़ता है, तो इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दिया हुआ है, तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लीजिए वहाँ जाके, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये निशान उठा लेना है, निशान उठा लिया है। इसके बाद में लेंगे जो शोल्डर है वो लेंगे हम 6 इंच, ठीक है, 14 इंच इसका शोल्डर था दोस्तों, उसमें से हमें 14 का आधा होगा 7, तो हम लेंगे 6 इंच, 1 इंच कम करके, ठीक है, वो 2.5 इंच गला लेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों ये कॉलर वाला होता तो हम 7 इंच इसमें पूरी जो शोल्डर है वो पूरा लेते हैं, क्योंकि इसमें गला बनेगा तो गला फैलता है, इसलिए हमने 1 इंच कम ले लिया, ये आपको पता ही है दोस्तों, ये सबको पता रहता है, ठीक है। इसके बाद में हम लेंगे चेस्ट, तो चेस्ट कितनी है इसकी, 34 चेस्ट है, ठीक है, और कमर 27 इसकी कमर है, ठीक है, ये 27 कमर, तो हमने ले लिया 7.5 इंच। फिर लेंगे हिप्स, हिप्स कितनी है इसकी, 33, ठीक है, तो ये हमने 8.25 इंच ले लिया है, और यहाँ पर 8.5 इंच हमने घेर ले लिया है।
ठीक है, इस तरह से निशान उठा लेंगे हम। जिस तरह से हमने निशान उठाया उस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हमने निशान उठा लिया है। ये मोड़ने के मार्जिन काम में आएगा और ये लूजिंग के लिए, ढीला टाइट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने की बात यही है, ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये निशान उठा लेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और दूसरा जो सामने वाला है वो यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो बैक पल्ला यहाँ तक रहेगा और सामने वाला यहाँ से रहेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझा सकें। वैसे हमने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, अगर फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके बाद कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ से इसमें कट लगा देंगे, चटका लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे लगाने से क्या है दोस्तों, जब ये सूट बनाएंगे हम तो इस क्या है, इसे कुटके से कुटके को मिलाएंगे, है ना, तो ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। अगर ये कुटका नहीं लगाएंगे तो यहाँ से इसको ऐसे सिल देंगे तो ये थोड़ा तिरछा तिरछा जाएगा, इसलिए हमने ये कुटका लगा लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद में ये निशान उठा लेना आपको, ठीक है, ये देख लीजिए इस तरह से निशान उठा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, ये हमने सामने वाले पर जो फ्रंट पल्ला है वो निकाल लिया, अब निकालेंगे बैक पल्ला, इसको रख लेते हैं। इस तरह से इसको भी कर लेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर रख के एक बार इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसके नाप के हिसाब से, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब सही आया, देख लीजिए यहाँ ये निशान है, इस निशान को दोनों को मिला लेंगे, सेम इसी के हिसाब से काट रहे हैं, देखो, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर टेढ़ी-मेढ़ी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आगे पीछे जो बॉर्डर है वो टेढ़ी-मेढ़ी जाएगी, ठीक है। ये निशान ये बिल्कुल इसी के नाप से रख लेना आपको, यहाँ से आपको ध्यान रखना है ज़्यादा कपड़ा बाहर इधर उधर ना निकले, ठीक है। इसके बाद में कर लेंगे कटिंग, सेम इसी के नाप से आपको कटिंग कर लेना है। ये देख लीजिए ये दोनों पल्ला हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसमें आगे वाला जो पल्ला है उसमें शेप दे देंगे, यहाँ से लेंगे इसमें बोर्ड पर का मार्जिन, ठीक है, इस तरह से शेप दे देंगे। ये देख लीजिए ये यहाँ से शेप है, ये पीछे वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो दोनों पल्ले हैं वो निकाल लिया दोस्तों, अब निकालेंगे आस्तीन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी ये बॉर्डर है, इसी को लेंगे हम काम में,
ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा मोड़ने के लिए। तो आज तीन की लंबाई कितनी है दोस्तों, इसमें 16 है, ठीक है। तो हमने 16.5 ले लिया है, यहाँ दबाव का मार्जिन है, यहाँ तो ये फिक्स है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें मोड़ने का, ठीक है। इसके बाद में 2.5 इंच ऐसे ले लेना आपको नीचे, ठीक है, ये ले लिया है। इसके बाद में लेंगे जो आस्तीन का जो ऊपर का मुड़ा, वो कितना है 9.5 इंच, ठीक है। उसके बाद में 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ मोरी कितनी है 8.5 इंच, तो ये 8.5 इंच हमने ले लिया। तो इस तरह से इसमें शेप दे देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह से इसमें शेप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों ये इस तरह से हमने आस्तीन निकाल लिए, ठीक है। अब इसी आस्तीन को मेल के दूसरे आस्तीन निकाल लेंगे। इसके ऊपर इसी तरह रखेंगे, फिर ये बॉर्डर मिलाते हुए दोस्तों, ये ध्यान रखना है बॉर्डर दोनों की सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में कर लेंगे सेम इसी के नाप से कटिंग। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमने कटिंग कर लिया आस्तीन, ठीक है। तो दोनों आस्तीन की हमने कटिंग कर ली है। अब दे देंगे इसमें शेप, इस तरह से इसके ऊपर इसको रखेंगे। और यहां से शेप देंगे ऐसे लेते हुए, इस तरह से। ये देख लीजिए, ये इस तरह से हमने शेप दिए। और आस्तीन को चेक कर लेते हैं, यानी आस्तीन का मुड्डा और इसका मुड्डा एक होना चाहिए दोस्तों। ये देख लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, अपने के साथ समय बिताते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।